नमस्कार, पिनाकल ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपके लिए करने वाली हूँ पेपर कोड 863। हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रतिहार डायनेस्टी का सबसे महानतम राजा कौन था। द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द प्रतिहार डायनेस्टी वॉज, प्रतिहार वंश के महानतम राजा कौन थे? वत्सराज, भोज, मिहिर भोज, दंती दुर्ग या फिर नागभट। ठीक है, ये हमारे ऑप्शंस हैं क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। ओके, अब इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, मिहिर भोज। दंती दुर्ग जो थे ये तो आपकी राष्ट्रकूट डायनेस्टी से संबंधित हैं। ये देखिए मिहिर भोज, इनका टाइम पीरियड क्या है? 836 टू 885। इनको भोज वन के नाम से भी जाना जाता है। ये ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल रूलर थे प्रतिहार डायनेस्टी के। और जब इनका जो एम्पायर बिल्कुल पीक पर था उस समय नर्मदा रिवर साउथ तक इनका एम्पायर एक्सटेंड करता था और नॉर्थ वेस्ट में सतलज रिवर तक। ये बहुत ही जाने माने विद्वान भी थे। अगला प्रश्न, In 1939, Subhash Chandra Bose was elected as president of the Congress party, defeating. 1939 में Subhash Chandra Bose किसको हराकर Congress party के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए? पट्टाभी सीतारमैया, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद या फिर यहाँ पर है वी बी पटेल। ये हमारे चार ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 27, हमारा आंसर क्या है इसका? किसको हराया था सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में और 1939 में, दोनों बार। अब सुभाष चंद्र बोस ही जो हैं वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुने गए थे। 1939 में इन्होंने हराया था पीताभी सीतारमैया को। देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस वॉज इलेक्टेड कांग्रेस प्रेसिडेंट इन 1938 एंड 39 बोथ। 38 के बाद जब अगले साल भी इन्हीं को चुना गया, एट द एंड ऑफ हिज फर्स्ट टर्म, जब 1938 वाली टर्म समाप्त हुई तो दोबारा से इलेक्शन हुए, चुनाव हुए। और ये जो सेशन था ये त्रिपुरारी कांग्रेस सेशन था, ठीक है, ये हुआ। और इसमें नेताजी ने डिफीट किया था डॉक्टर पीताभी सीतारमैया को, और सीतारमैया जी के पीछे महात्मा गांधी का सपोर्ट था, पूरे कांग्रेस का सपोर्ट था, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सपोर्ट था। लेकिन जब सुभाष चंद्र बोस जी का ऑपोजिशन किया गांधी जी ने तो फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, वो अलग हो गए थे और उन्होंने स्थापना की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की। The longest continental railway in the world is, दुनिया में सबसे लंबा महाद्वीपीय रेलवे कौन सा है? ट्रांस एटलांटिक रेलवे, ट्रांस साइबेराई रेलवे, ठीक है, फिर है कैनेडियन प्रशांत रेलवे या कैनेडियन नेशनल रेलवे। ट्रांस एटलांटिक, ट्रांस साइबेरियन, कैनेडियन पैसिफिक या फिर कैनेडियन नेशनल, ये हमारे ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें जो हमारा ट्रांस साइबेरियन रेलवे है, ओके, ये सबसे लंबा है और ये रशिया के एक कोने से लेकर बिल्कुल दूसरे छोर तक दोनों कॉर्नर्स को कनेक्ट करता है। आइए देखते हैं इसका आंसर। ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो कि मॉस्को को कनेक्ट करता है फार ईस्ट एंड सी ऑफ जापान से, ये लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन है दुनिया की और इसकी लेंथ देखिए 9,289 किलोमीटर, और इसके कनेक्टिंग ब्रांचेस मंगोलिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया में भी हैं। अब अगर मैं आपको मैप दिखाऊं तो ये देखो, ये है ट्रांस साइबेरियन रेलवे, यहाँ मॉस्को से स्टार्ट होता है और फिर ये जो आपको रेड कलर की लाइन दिख रही है ये इतनी सारी जगहों को कवर करते हुए, सारा डिस्टेंस कवर करते हुए ये इसका फिर यहाँ पर लास्ट स्टॉप होगा। ओके, लॉन्गेस्ट ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, ट्रांस साइबेरियन रेलवे। निम्नलिखित फसलों में से किसे विजयनगर साम्राज्य में व्यापक रूप से निर्यात किया जाता था? तो इनमें से वो कौन सी फसल है, कौन सी क्रॉप है जिसको कि विजयनगर एम्पायर बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, ब्लैक पेपर, टी, टोबैको या नन ऑफ दी अबव। जो विजयनगर एम्पायर है उनके फ्रेंडली रिलेशंस थे बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज के साथ, और इसका आंसर है ए, ब्लैक पेपर, 29A। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लीचिंग एजेंट, सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला ब्लीचिंग एजेंट क्या है? सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला सोडियम क्लोराइड है, अल्कोहल है, कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर क्लोरीन है। सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल किया जाता है एज अ ब्लीचिंग एजेंट वो है क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 30, आंसर है डी।
क्लोरीन, क्लोरीन के बहुत सारे प्रयोग होते हैं। क्लोरीन को हम पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए भी यूज करते हैं, इसको सैनिटेशन प्रोसेस में यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट के लिए इसको यूज करते हैं, साथ ही साथ कपड़े को ब्लीच करने के लिए, पेपर को ब्लीच करने के लिए भी ब्लीचिंग एजेंट के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है। और ब्यूटी पार्लर्स वगैरह में भी जो लोग कहते हैं ना जाकर कि मेरी स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन है थोड़ा और गोरा हो जाना चाहिए, उनके फेसेस भी ब्लीच किए जाते हैं। इट इज यूज्ड इन क्लीनिंग प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग हाउसहोल्ड में इसका इस्तेमाल होता है, क्लोरीन का टॉयलेट क्लीनिंग में इसका इस्तेमाल होता है, और साथ ही साथ ब्लीचिंग पाउडर इंपॉर्टेंट एंड अ कॉमनली यूज्ड ब्लीचिंग एजेंट है जिसको क्लोरीन के तैयारी में इस्तेमाल किया जाएगा। सिंक होल इज अ फिनोमिना ऑफ, सिंक होल कहां की किस प्रकार की स्थलाकृति में आता है, सिंक होल डैश की एक घटना है, ये समतल स्थलाकृति की एक घटना है, रेगिस्तान स्थलाकृति की एक घटना है, या फिर ये टुंड्रा में है या फिर कास्ट टोपोग्राफी में है। क्वेश्चन नंबर 31, सिंक होल जो है इसका संबंध है कास्ट टोपोग्राफी, KARST कास्ट टोपोग्राफी से। कास्ट टोपोग्राफी ये कहां पर होता है, देखिए क्या होता है कि सॉल्यूबल रॉक्स होती हैं, लाइमस्टोन होता है अंदर, और लाइमस्टोन डोलोमाइट और जिप्सम, ओके, और जो अंडरग्राउंड पानी बहता है उसमें ये डिसॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से सिंक होल और केव्स का निर्माण होता है। Underground water of cast topography carves out channels and caves that are susceptible to collapse from the surface. जैसे मान लीजिए अंदर आपके limestone, dolomite और calcium है या surface से नीचे है, पानी बह रहा है, वो कुछ हिस्से में से इनको डिसॉल्व कर देगा, होगा क्या, यहाँ पर एक गड्ढा बन जाएगा और ऊपर का हिस्सा आपका काफी कमजोर रह गया, काफी बार वो धस भी जाता है। तो stalactites, stalagmites, सिंक होल्स ये सब संबंधित हैं कास्ट टोपोग्राफी से, क्योंकि वहां पर लाइमस्टोन अवेलेबल है जो कि डिसॉल्वेबल इन वाटर है। पंचायत समिति अपने कार्यों के लिए किसके प्रति जवाबदेह होती है, द पंचायत समिति रिमेन्स अकाउंटेबल फॉर इट्स फंक्शंस टू, किसको जवाब देगी, वो जनपद पंचायत को देगी, ग्राम पंचायत ग्राम सभा को जवाब देगी, ग्राम पंचायत और ग्राम सभाएं वो जिला परिषद को जवाब देगी, या फिर वो अंचल पंचायत को जवाब देगी। क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है जो पंचायत समिति है वो अपने कामों के लिए जवाब देती है जिला परिषद को, क्योंकि हमारा एक थ्री टायर सिस्टम है, पंचायती राज सिस्टम है, इसमें जो गांव वाला लेवल है उसको में ग्राम पंचायत होगी, ओके, उसके बाद जो बीच वाला लेवल है वहां पर पंचायत समिति होती है इंटरमीडिएट लेवल पर, और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपका जिला परिषद होगा। अ पंचायत समिति इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर ईच ब्लॉक, ईच डिस्ट्रिक्ट इज डिवाइडेड इंटू मेनी ब्लॉक्स, जो हर एक जिला है उसके बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, और फिर उसके अंदर एक पंचायत समिति होती है हर ब्लॉक के अंदर, और इनकी जवाबदेही किसके प्रति बनती है, इनकी जवाबदेही बनती है जिला परिषद के। अगला प्रश्न, क्वेश्चन 33, अगला प्रश्न है जो हमारी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन रेनी सीजन ड्यू टू, जो दक्षिण पूर्व से बहने वाले व्यापारिक पवने या वाणिज्य पवने हैं वो किस वजह से भारत बरसात के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप के प्रति आकर्षित होती है या वो उस ओर बहती है। अब इसके जो आंसर्स हैं, डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन ओवर द इक्वेटर, इफेक्ट ऑफ ईस्टरलीज, इफेक्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, द प्रेजेंस ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओवर नॉर्थ वेस्ट इंडिया, भूमध्य रेखा के ऊपर चक्रवात का विकास, पूर्वी हवाओं का प्रभाव, या फिर उत्तर पूर्वी व्यापार हवाओं का असर, या फिर उत्तर पश्चिमी भारत में कम वायुमंडलीय दबाव की उपस्थिति। क्वेश्चन नंबर 33, अब होता क्या है हम ये देखते हैं, जब मॉनसून सीजन आता है, ठीक है, जब मॉनसून सीजन आता है, मॉनसून सीजन कब आएगा, जून टू एंड ऑफ सितंबर। अब जून के महीने में खूब गर्मी होती है तो हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला रीजन है, सन वहां पर डायरेक्ट सन की रेस पड़ रही है, तो वहां पर एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा, क्योंकि जब सन की डायरेक्ट रेस पड़ेंगी तो काफी सारी हीट एनर्जी रिसीव होगी, तो लैंड सर्फेस जो है वो हीटअप होगा, उसके ऊपर वाली हवा जो है वो हीटअप होगी, तो वो राइज करने लगेगी, जब वो राइज करने लगेगी तो लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा, तो जो हमारा नॉर्थ इंडियन प्लेन है वहां पर एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा, और उस लो प्रेशर एरिया की ओर जो अरेबियन सी के ऊपर मॉइस्चर लैडन विंड्स हैं वो उस ओर बहेंगी।
During the rainy season in India, from June to end of September, there is intense heat that prevails in Indian subcontinent, जिसकी वजह से एक low pressure area create होता है northern plains के ऊपर, okay? In the northwestern part of the country, it is intense enough to attract moisture-bearing winds from Indian Ocean, जिससे कि जो moisture-bearing winds Indian Ocean से वो इस ओर attract होती हैं और उसके बाद इसका कारण बनती हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या है? उत्तर पश्चिम भारत में कम वायुमंडलीय दबाव की उपस्थिति। Question number 33। अगला है question number 44। निम्नलिखित में से कौन से जोड़ों का सही ढंग से मिलान नहीं किया गया है? Which one of the following pair is not correctly matched? निम्नलिखित में से कौन से जोड़ों का सही ढंग से मिलान नहीं किया गया है? हर्षवर्धन के समय में ह्वेनसांग आए, बिल्कुल सही है। अकबर के समय में टोडरमल थे, बिल्कुल सही है। उन्होंने टोडरमल का बंदोबस्त दिया, ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, नवरत्न थे अकबर के। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को गद्दी पर बैठाया, बिल्कुल सही है। विक्रमादित्य और चैतन्य, ये मेल हमारा गलत है। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है डी। ये देखिए, चैतन्य कौन थे? चैतन्य जो थे वो एक हिंदू मॉन्क थे, ठीक है, सोशल रिफॉर्मर थे। 16th सेंचुरी से हैं ये, और ये 16th सेंचुरी हु फाउंडेड अ वैष्णव रिलीजन। और जो ऑप्शन दिया गया है विक्रमादित्य, वो तो आपके फर्स्ट सेंचुरी बीसी। अगला प्रश्न इकोनॉमिक्स से, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन अलाउंस, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, उसमें से अगर हम जो डेप्रिसिएशन अलाउंस है उसको माइनस कर देते हैं तो क्या बचता है? जो बचता है वो पर कैपिटा इनकम है, वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो पर्सनल इनकम है, या फिर वो नेट नेशनल प्रोडक्ट है। क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 35। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या है? इसका आंसर है नेट नेशनल प्रोडक्ट। ओके, अगर जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है इट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन अलाउंस। डेप्रिसिएशन अलाउंस किसके लिए? फॉर वेयरिंग आउट ऑफ मशीन्स एंड बिल्डिंग्स ड्यूरिंग दैट पीरियड। दूसरे शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है वो कैसे आता है? अगर हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी में से डेप्रिसिएशन अलाउंस माइनस कर दे तो हमें एनएनपी मिलेगा। फोटोपीरियडिज्म इफेक्ट्स। फोटोपीरियडिज्म वो पीरियड होता है जब रोशनी मिलती है प्लांट्स को। किसको प्रभावित करता है ये? ये फ्लावरिंग को प्रभावित करता है, प्लांट्स के फलने पर वो उनमें फूल कब निकलेगा उससे संबंधित है। वनस्पति विकास में ये योगदान करेगा, या फिर फल जब लगेगा उसके ऊपर असर डालेगा, या इन सभी के ऊपर ही असर डालेगा। क्वेश्चन नंबर 36, ये इन सभी के ऊपर असर डालेगा, इसका आंसर है ए। अब जो सूरज से रोशनी मिलती है वो सभी चीजों पर, वो प्लांट की ग्रोथ पर, उसके फ्लावरिंग पर, उसकी राइपनिंग पर, सब पर असर डालती है। फोटोपीरियडिज्म इज द डेवलपमेंटल रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टू रिलेटिव लेंथ ऑफ लाइट एंड डार्क पीरियड्स। इट इफेक्ट्स द वेजिटेटिव ग्रोथ एज वेल एज टाइम ऑफ फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। न सिर्फ प्लांट के विकास पर, वो फल कब देगा, फूल कब देगा, इन सभी चीजों पर असर पड़ता है। तभी तो हमारे जो इक्वेटर के आसपास वाला रीजन है वहां पर आपको डेंस वेजिटेशन मिलती है, क्योंकि वहां पर अच्छी खासी मात्रा में सनलाइट अवेलेबल है। द एक्स रे विद लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर इज, ठीक है, वो कौन सा एक्स रे है? द रे विद द लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर रे इज, वो कौन सा है जिसकी कम से कम पेनिट्रेटिंग पावर है? एक्स रे है, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, कौन सी रे है? क्वेश्चन नंबर 37। ओके, इसका आंसर है हमारा बी। आंसर है हमारा बी, अल्फा पार्टिकल्स, ये हाईली आयोनाइजिंग पावर होती है इनकी, एंड इट इज डिफिकल्ट फॉर देम टू पेनिट्रेट मैटर थरोली। इट इज बिकॉज अल्फा पार्टिकल्स आर लाइकली टू आयोनाइज द फर्स्ट थिंग दे कम इन टू कॉन्टैक्ट विद, इसलिए इनका बहुत स्मॉल रेंज ऑफ पेनिट्रेटिंग पावर होता है। बीटा रेज हैव इंटरमीडिएट रेंज, और जो गामा रेज और एक्स रेज हैं दे हैव मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर। तो इसका आंसर क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 37 का? इसका आंसर है बी। आउटसाइड द न्यूक्लियस डीएनए इज फाउंड इन, तो डीएनए न्यूक्लियस के बाहर कहां पाया जाता है? वो गोल्जी बॉडीज में मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा, राइबोसोम में मिलेगा, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मिलेगा? क्वेश्चन नंबर 38 इसका आंसर है बी, वो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा, देखते हैं, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है।
जो यूक्रियोटिक सेल्स होते हैं, यूक्रियोटिक सेल्स वो होते हैं जिनमें न्यूक्लियस होता है, द वास्ट मेजोरिटी ऑफ डीएनए इज फाउंड इन द न्यूक्लियस। जिनमें न्यूक्लियस होता है उनमें जो डीएनए मिलता है वो न्यूक्लियस में ही मिलता है, लेकिन इसके अलावा जो बाकी सेल्स होते हैं, द एक्सेप्शन ऑफ दिस बीइंग स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए फाउंड आउटसाइड दस न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर भी मिल सकता है। और न्यूक्लियस के बाहर हमें डीएनए कहाँ मिलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। तो ह्यूमन सेल में जो 99% ऑफ द टोटल डीएनए है वो न्यूक्लियर जीनोमिक डीएनए है एंड द रिमाइंडर इज माइटोकॉन्ड्रियल। तो इसका आंसर है हमारा बी, माइटोकॉन्ड्रिया। 38, 39, इन द नेशनल कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स मैक्रो अप्रोच। राष्ट्रीय संदर्भ में विभिन्न में से मैक्रो कौन दृष्टिकोण को दर्शाता है? राष्ट्रीय संदर्भ में इनमें से ऐसा कौन सा है जो मैक्रो दृष्टिकोण को दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 39। ओके, अब इसमें है भारत में मुद्रास्फीति की दर, इन्फ्लेशन इन इंडिया, बाटा शू कंपनी की बिक्री, एक्सपोर्ट ऑफ मैंगोस टू यूके, या फिर इनकम फ्रॉम रेलवेज। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमिक्स का एक ब्रांच है जो कि परफॉर्मेंस, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, डिसीजन मेकिंग और अर्थव्यवस्था के बारे में एज अ होल बताता है, न कि इंडिविजुअल मार्केट के बारे में, ठीक है। ये बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करता है, नेशनल इनकम के बारे में, आउटपुट के बारे में, कंजम्पशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इन सारी चीजों पर असर के बारे में एक्सप्लेन करता है। तो इसमें जो एक्सपोर्ट्स ऑफ मैंगोज टू यूके है ये एक ओवरऑल होल पिक्चर को दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 40, शिप बिल्डिंग यार्ड मजगांव डॉक इज लोकेटेड एट। ये जो मजगांव डॉक है, जहाज निर्माण का ये यार्ड है, मजगांव डॉक ये कहां पर स्थित है? विशाखापट्टनम, कोच्चि, कोलकाता या फिर मुंबई, ये कहां लोकेटेड है? क्वेश्चन नंबर 40, ये लोकेटेड है मुंबई में, मुंबई में लोकेटेड है ये, इसका आंसर है। मजगांव डॉक इज लोकेटेड इन मुंबई। ये इंडिया का प्राइम शिपयार्ड है, ये वॉरशिप्स मैन्युफैक्चर करता है, सबमरीन्स इंडियन नेवी के लिए मैन्युफैक्चर करता है, ओके, ये इनका मेन काम है। इसके अलावा टैंकर्स, कार्गो बल्क कैरियर्स, पैसेंजर शिप्स एंड फेरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 41, काफी बार आपको कोट्स दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है बताओ ये बात किसने कही है। जैसे यहां देखिए, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, ये किसने कहा है? ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है, जॉन कीट्स ने कहा है, चार्ल्स डिकेंस ने कहा है, या डॉक्टर जोनाथन स्विफ्ट ने कहा है? देखिए, जो भी इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित है, उन्होंने कभी पढ़ा है तो वो बड़ी आसानी से बता देंगे कि ये कहा है जॉन कीट्स ने। आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर है बी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। ये ओपनिंग लाइन है एक बुक की जिसका नाम है ये, ओके, और ये बुक किसने लिखी है? ये एक पोयम है जॉन कीट्स द्वारा जो लिखी गई है, और ये प्रकाशित की गई थी, पब्लिश की गई थी 1818 में। वेयर वॉज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन हेल्ड? सार्क, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? ये काठमांडू में आयोजित हुआ था, ढाका में आयोजित हुआ था, न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ था, या फिर ये कोलंबो में आयोजित हुआ था? ओके, ये हमारा क्वेश्चन है और इसका आंसर है ढाका, ठीक है, इसका आंसर है ढाका। अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली इस आंसर के की क्या एक्सप्लेनेशंस हैं। जो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन या सार्क है, ये है क्या? ये एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो आपका दक्षिण एशिया है, ठीक है, साउथ, उसमें जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं उन्होंने ये एक ग्रुप बनाया है जिसको सार्क का नाम दिया गया है, और इसके जो मेंबर स्टेट्स हैं उनमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका है। और इनका जो पहला समिट हुआ था, इनकी पहली मीटिंग हुई, वो ढाका में हुई थी। ढाका जो है वो बांग्लादेश की राजधानी है, और ये हुई थी साल 1985 में। इसको इन सभी देशों के जो अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने इसको अटेंड किया था। ओके, दैट्स द आंसर। विच हिल स्टेशन नेम मीन्स प्लेस ऑफ थंडर बोल्ट? किस हिल स्टेशन के नाम का अर्थ वज्र की जगह है? वो कौन सा हिल स्टेशन है जिसके नाम का मतलब है वज्र की जगह? गैंगटॉक, शिलोंग, आटाकामुंड या फिर दार्जिलिंग? ये हमारे चार ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 43, इसका आंसर है दार्जिलिंग। क्वेश्चन नंबर 43, आंसर इज डी।
द नेम डार्जिलिंग, ये जो नाम है डार्जिलिंग, ये तिब्बतन शब्द डॉयजी से आया, और डॉयजी का मतलब होता है थंडरबोल्ट, वो जो बिजली चमकती है ना, थंडरबोल्ट। ओके, सो इट मीन्स प्लेस ऑफ थंडरबोल्ट। और ये जो दार्जिलिंग है, ये महाभारता रेंज या लेसर हिमालयाज में आपकी लोकेटेड है। ओके, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, और दार्जिलिंग को हम प्लेस ऑफ थंडरबोल्ट बोलते हैं। सौर ऊर्जा का अधिकतम निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? मैक्सिमम फिक्सेशन ऑफ सोलर एनर्जी इज डन बाय, मैक्सिमम फिक्सेशन ऑफ सोलर एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 44, प्रोटोजोवा, बैक्टीरिया, फंगाई या फिर ग्रीन प्लांट्स। तो सौर ऊर्जा का जो अधिकतम निर्धारण है वो किया जाता है हरे पौधों द्वारा। हरे पौधों द्वारा किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 44 हमारा आंसर है डी। मैक्सिमम 20% ऑफ द इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी फॉलिंग ऑन लीव्स इज कन्वर्टेड। ठीक है, पत्तों के ऊपर जितनी सोलर एनर्जी गिरती है उसमें से 20% जो है उसको वो केमिकल एनर्जी में करते हैं कन्वर्ट। प्लांट्स जो है उनको फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट एनर्जी चाहिए। ग्रीन प्लांट्स यूटिलाइज सोलर एनर्जी एंड सिंथेसाइज शुगर फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, ये हमारा आंसर है 44D। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी प्रोटीन कहा जाता है क्योंकि। हम पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी प्रोटीन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आसानी से पच जाता है, ये स्वादिष्ट होता है, ये बाजार में सस्ता है, या अमाइनो एसिड की इसमें भरपूर मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 45 इसका आंसर है डी, क्योंकि ये एसेंशियल अमाइनो एसिड्स में भरपूर होता है, इसलिए एनिमल प्रोटीन को हम फर्स्ट क्लास प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन्स जो कि एनिमल से हमें मिलते हैं उनको फर्स्ट क्लास प्रोटीन कहा जाता है, क्योंकि उनमें सभी जरूरी अमाइनो एसिड्स होते हैं, इंक्लूडिंग दोज दैट द बॉडी कांट मेक। जो कुछ कुछ हमारे ऐसे भी प्रोटीन्स हैं जो हमारी बॉडी नहीं मैन्युफैक्चर कर सकती, वो भी इसमें होंगे। प्लांट्स वाले जो प्रोटीन्स हैं उनको हम सेकेंड क्लास प्रोटीन्स कहते हैं। 45 अगला क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मॉइस्ट एयर इज मोर देन इन ड्राई एयर बिकॉज द मॉइस्ट एयर हैज, नम हवा में, वो हवा जिसमें नमी है उसमें ध्वनि का वेग शुष्क हवा की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि नम हवा की शुष्क हवा की तुलना में कम घनत्व होता है, शुष्क हवा की तुलना में कम दबाव होता है, शुष्क हवा की तुलना में अधिक दबाव होता है, या फिर शुष्क हवा की तुलना में अधिक घनत्व होता है। लेस डेंसिटी देन ड्राई एयर, लेस प्रेशर देन ड्राई एयर, मोर प्रेशर देन ड्राई एयर, या मोर डेंसिटी देन ड्राई एयर। क्वेश्चन नंबर 46 इसका आंसर है ए, लेस डेंसिटी देन ड्राई एयर। ओके, ये देखिए जो ड्राई एयर की डेंसिटी होती है, ड्राई एयर का घनत्व होता है इज मोर देन दैट ऑफ मॉइस्ट एयर, वो मॉइस्ट एयर से ज्यादा होता है। जब हम इस मॉइस्चर को रिमूव कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, तो इसकी डेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है। और स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। इसलिए जो स्पीड ऑफ साउंड है मॉइस्ट एयर में, इट इज मोर देन दैट इन ड्राई एयर। जलियांवाला बाग कमिटी जो बनाई गई थी, जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था उसके बाद एक कमिटी का गठन किया गया था, उसके मुखिया कौन थे? द हेड ऑफ द कमिटी फॉर्मड बाय द गवर्नमेंट टू इंक्वायर इनटू जलियांवाला बाग मैसेकर वॉज। जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच करने के लिए सरकार द्वारा गठित समिति के मुख्य कौन थे? जॉन साइमन, जनरल डायर, हंटर या फिर नन ऑफ द अबव। जॉन साइमन, तो जो साइमन कमीशन भारत आया था उसके हेड थे, राइट। जनरल डायर तो वो बंदे थे जिन्होंने की जलियांवाला बाग मैसेकर में फायरिंग के ऑर्डर दिए थे। हंटर, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 आंसर है हंटर। ये देखिए जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था 1919 अमृतसर में। ओके, और उसके बाद एक नॉन ऑफिशियल इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई थी ये जानने के लिए कि ये जो हुआ है ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो सब कुछ जानने के लिए। और इस कमेटी के जो हेड थे उनका नाम था लॉर्ड हंटर, और इस कमेटी में आपके 7 सदस्य थे, और लॉर्ड हंटर ने जनरल डायर का समर्थन किया था। याद रखना कि हंटर कमिटी जो थी उसने चीजों को बिल्कुल डिफरेंटली देखा, और ये कहा कि जनरल डायर ने जो किया बिल्कुल सही किया, और जो मार्शल लॉ लगाया हुआ था पंजाब में वो बिल्कुल सही था।
इससे नाराज होकर गांधी जी ने अपने केसरे हिंद का गोल्ड मेडल लौटा दिया था, ओके। और यह जन हंटर लॉर्ड हंटर जो थे वो इस कमिटी के हेड थे। क्वेश्चन नंबर 47। अगला प्रश्न, इनमें से वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसको कि हम इलेक्ट्रिक करंट नापने के लिए यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। निम्नलिखित में से किस यंत्र का इस्तेमाल विद्युत प्रवाह को मापने के लिए किया जाता है? एमीटर, वोल्टमीटर, एनीमोमीटर या फिर वाटमीटर। वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। अब इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 48 का वो है एमीटर। The instrument used to measure electrical current, इसको हम कहते हैं ammeter, which is usually a shortened form of ampmeter. ये ampmeter का shortened form है, ठीक है? Ampmeter का shortened form है. The current is measured in amperes, ठीक है? ये आपको unit पता होगा कि हम जो electric current है उसको amperes में measure करते हैं. और इसका answer क्या है? इसका answer है ammeter, 48A. 49. किस राज्य में जोग फॉल्स स्थित है? जोग फॉल्स एक वाटरफॉल है, ये इंडिया के कौन से राज्य में स्थित है? ज्योग्राफी का क्वेश्चन। ये केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 49। जो जोग फॉल्स है इसको हम जेरोसोपा फॉल्स भी कहते हैं, पॉइंट नंबर 1। ये इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट प्लंज वाटरफॉल है और ये कर्नाटक में लोकेटेड है, कर्नाटका में लोकेटेड है। ये आंसर है हमारा सी। जोग फॉल्स, जरसप्पा फॉल्स, जोगा फॉल्स, ये वॉटरफॉल है कर्नाटका में। और कौन सी नदी पर है ये भी याद रखना, श्रावस्ती रिवर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। हु हैज वन द 2016 कंप्यूटर हिस्ट्री म्यूजियम बुक प्राइज? किसने 2016 का कंप्यूटर हिस्ट्री म्यूजियम बुक प्राइज पुरस्कार जीता? मनोज भदौलिया, योगेश सेन, दिनेश शर्मा या फिर मयंक जैन। ये हमारे चार ऑप्शंस हैं और इसको जीता है दिनेश शर्मा ने। दिनेश शर्मा ने इनको इसको जीता है, ठीक है? आंसर है हमारा सी। इसी के साथ ये जो वीडियो प्रेजेंटेशन थी अबाउट जनरल अवेयरनेस फॉर पेपर कोड 863 ये खत्म होती है, ठीक है? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सब समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।